नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, जो खबर हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आज आपको बहुत गर्व होगा, क्योंकि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी ने शनिवार को अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की। दरअसल नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा और इन एयरक्राफ्ट से MiG-29 के सहित 35 लड़ाकू विमान भी उड़ाए गए। साथ ही समुद्र के अंदर अपनी शक्ति दिखाने के लिए इंडियन नेवी ने सबमरीन का भी टेस्टिंग की। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की पिछले कुछ सालों में अब तक की यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। दरअसल मिग के अलावा भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी उड़ान भरी। इसके अलावा रात में भी एयरक्राफ्ट करियर से लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया। और दूसरी तरफ इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि इंडियन नेवी ने यह एक्सरसाइज अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और समुद्री सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। दरअसल 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर हुए INS विक्रांत को 25 साल बाद फिर से नौसेना में शामिल किया गया था। PM नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को देश में बने इस सबसे बड़े युद्ध पोत को नौसेना को हवाले किया था। और साल 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सीओक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कोक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि INS विक्रमादित्य रूस में बना वॉरशिप है। 16 नवंबर 2013 को रूस में रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इसे कमीशन किया था और 14 जून 2014 को PM मोदी ने औपचारिक रूप से INS विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में शामिल किया। विक्रमादित्य के फ्लोटिंग एयरफील्ड की लंबाई करीब 284 मीटर है और इसकी ऊंचाई करीब 20 मंजिला इमारत जितनी है। इसमें 22 डेक बनाए गए हैं और INS विक्रमादित्य इन तमाम सुविधाओं के साथ खुद को 45 दिनों तक समंदर में रखने में सक्षम है। दरअसल विक्रमादित्य को दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए ही खास तौर से तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के सेंसर लगे हैं। यह 500 किलोमीटर से अधिक एरिया की निगरानी करने में सक्षम है। इसमें 30 से ज़्यादा विमान ले जाने की क्षमता है, जिसमें MiG-29, Kamov-31, Kamov-28, सी किंग, ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल है। और दूसरी तरफ जो INS विक्रांत है उसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL ने किया है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और जिसे पहले नौसेना डिजाइन निदेशालय के रूप में जाना जाता था। यह भारतीय नेवी का इन हाउस डिजाइन संगठन है। 45,000 टन वजनी INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। ये INS विक्रमादित्य के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।